वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअली क्या है कि बहुत दिनों से बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रोनंसिएशन नहीं कर पाते, किसी भी वर्ड को हम अंग्रेजों की तरह बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते। आज से ये समस्या समाप्त, आज से आप किसी भी वर्ड को जैसे भी वर्ड लिखाओ आप रियल प्रोनाउंस, लेकिन धीरे धीरे सीखोगे आप करके चेक करो और एक एक वर्ड को बोलो मेरे साथ कैसे बोल सकते हैं। हमने कहा COIL, लोग बोलेगा कॉइल, इसको लोग क्या बोलेगा कॉइल, इसको लोग बोलेगा कॉइल, लेकिन कॉइल नहीं बोलना है आपको, इसका साउंड चेंज करना है। तो हमने कहा जहां भी सी से जहां भी का उच्चारण बोलना हो, जहां भी का बोलना हो तो का के उच्चारण के स्थान पर का प्लस ख के बीच का उच्चारण करें, का और ख के बीच का साउंड। जैसे इसको हम लोग बोले, ध्यान देना, अगर इसको मान लो बोलते हो कॉइल कॉइल, और अगर बोलते हो कॉइल, अब का और ख के बीच, अब दोनों का साउंड लो तो क और ख के बीच वाला साउंड लेना है कॉइल, यानी ना तो बोलना है कॉइल और ना तो बोलना है कॉइल, क्योंकि साउंड को लिखा नहीं जा सकता, साउंड को बोल सकते अंग्रेज ऐसे तो बोलते हैं, जो भी इंग्लिश मैन है जो भी अंग्रेज हैं वो अंग्रेजी ऐसे बोलते हैं कॉइल कॉइल नहीं कॉइल नहीं कॉइल कॉइल। तो क और ख के बीच का साउंड, यानी जो आपको साउंड लेना है वो साउंड क्या लेना है तो क और ख के बीच का साउंड लेना है। अब बीच का साउंड लिखा नहीं जा सकता भाई, बीच को कैसे लिखूं, तो क और ख के बीच यानी आधा का ले लो आधा खा ले लो, तो कॉइल 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 एक बार कॉइल 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 कॉइल, है ना, इस तरह से। तो सी जहां भी मिले वहां क्या बोलो कॉइल। अब नेक्स्ट है कॉफी, तो क और ख के बीच का साउंड बोलो, एक हुआ कॉफी एक हुआ कॉफी कॉफी कॉफी, है ना, तो क और ख के बीच का साउंड लेना है कॉफी कुड कुड, क और ख के बीच कुड कुड कुड, है ना, कोल्ड कोल्ड, एक हुआ कोल्ड एक हुआ कोल्ड, तो बीच का साउंड क्या है कोल्ड कोल्ड कोल्ड। तो ये इससे आपका एक दिन नहीं होगा, क्योंकि आपका टोन धीरे धीरे इंप्रूव करेगा कोल्ड कमांडर। तो क्या बोले, बोलो मेरे साथ फटाफट, क्वाइल कॉफी कुड कोल्ड कमांडर, राइट। तो जहां भी का हो तो का के उच्चारण के स्थान पर का और ख के बीच का उच्चारण करो। अब देखते हैं अगला वाला, इसके आगे क्या हो सकता है। अब हमने यहां पर अगला वर्ड लिया है, अब अगला वर्ड क्या लिया है तो ट, अब यहां पर टी ए पी टेप टेलीग्राम टेलीस्कोप, इस तरह से आप टोमेटो कुछ बोल सकते हो टोमेटो, है ना, तो बहुत सारे वर्ड ले सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ट के उच्चारण के स्थान पर ट और ठ यानी ट और ठ के बीच का उच्चारण करिए, तो दोनों के बीच का साउंड यानी टेप को ना तो बोलना है टेप और ना ही बोलना है ठेप, ना तो आपको ठेप बोलना है ना तो आपको टेप बोलना है, आपको ट और ठ के बीच का साउंड लेना है यानी बोलना है टेप 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 टेप। तो बोलो मेरे साथ टेप टेलीग्राम टेलीग्राम, है ना, अब टेलीग्राम टेलीग्राम तो टेलीग्राम नहीं बोला टेलीग्राम टेलीग्राम, दोनों के बीच का साउंड यानी बीच में कुछ प्रैक्टिस से होगा, एक्चुअली लिख नहीं सकते इसको, आपको प्रैक्टिस करना है तब आएगा बीच का साउंड ट और ठ के बीच ठ ट ठ ठ ठ, वाइब्रेटिंग करेगा आपका जो टंग है वो ऊपर टच करेगा ठा 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 ठा। तो बोल मेरे साथ टेप टेप टेलीग्राम टेलीस्कोप टेलीस्कोप टोमेटो टोमेटो टेलीस्कोप, बोलो मेरे साथ टेप यस यस टेप टेलीग्राम टेलीस्कोप टोमेटो, फिर से टेप टेलीग्राम टेलीस्कोप टोमेटो, बोलो ठीक है। अब अगला वर्ड देखते हैं फटाफट, फाइन, अगला हम लोग देखा प के उच्चारण, जैसे यहां पे देखो पार्टीशन, यहां देखो पी पी पी, अब प प के उच्चारण के स्थान पर प और फ, ये स्क्रीनशॉट लेके फटाफट इसको प्रैक्टिस करना है, हमेशा आपको प्रैक्टिस करना है तब आप बेहतर करोगे। हमने बोला देखो पी ए आर टी आई टी एन, अब यहां प के उच्चारण के स्थान पर प और फ, बिल्कुल मैं बेसिक से समझा रहा हूं ताकि हर एक बच्चा सीख पाए और स्मार्ट बन पाए। तो हमने क्या कहा पार्टीशन नहीं फर्टीशन, प और फ के बीच का साउंड
बीच का साउंड ले लो फार्टिशन, बोलो मेरे साथ पार्टीशन को फार्टिशन, सुफीरियर सुफीरियर, फ्लीजेंट फ्लीजेंट, है ना। तो क्या बोला, फ्लीजेंट फार्टिशन सुफीरियर, तो इस तरह से फेरोट फेरोट, है ना। तो जितने भी साउंड होते हैं प और फ के बीच का साउंड, फार्टिशन सुफीरियर प्लीजेंट, प और फ के बीच का साउंड, ये आपको साउंड क्या है ये टोन कर देगा। फार्टिशन बोलो सुफीरियर फ्लीजेंट, राइट। अगला देखो, अब देखो जहां भी तुम्हें जा बोलना हो आराम से देखो, जहां भी जा देखना हो तो जा के उच्चारण के स्थान पर जा और झा के बीच का साउंड लो, जा और झा के बीच का साउंड, यानी इसका होगा जा प्लस झा के बीच का साउंड लेना है। अब बोलो मेरे साथ एवे हुआ जीनियस जीनियस, नहीं भाई जीनियस 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 जीनियस, है ना राइट। तो जीनियस जम 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 जम, जस्टिफाई जस्टिफाई जस्टिफाई, जेनरेशन जेनरेशन जेनरेशन, बोलो मेरे साथ जीनियस जीनियस जम्प जम्प, जस्टिफाई जस्टिफाई जस्टिफाई, जेनरेशन जेनरेशन, राइट। इस तरह से आप किसी वर्ड को आसानी से दो वर्ड को जोड़ करके जो बीच का साउंड होता है निकालते हैं, तो ये साउंड आपके लिए बेहतर होता है और काफ़ी अच्छा होता है। एक और देख लेते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो अगला देखते हैं, एक्चुअली मैं आपको चाह क्या रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप साउंड सीख जाओ और थोड़े थोड़े करके, अचानक से कोई विद्वान नहीं बना है। आप एक एक वर्ड, मैं आपको एग्जाम्पल 3-4-5 दे रहा हूँ, आप हजारों वर्ड जितने वर्ड आप बोलो आज से बोलना शुरू करो ना। अंग्रेजी में जब साउंड ठीक होगा तो आपका टंग फॉरेन टंग हो जाएगा, आप ही स्मार्ट बन जाओगे, आपका भी साउंड स्मार्ट हो जाएगा। और इतना बेहतर टेक्निक है जिसमें कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसको फॉलो करो बोलना आ जाएगा। जैसे चा बोलना हो तो चा के उच्चारण के स्थान पर चा और छ, यानी चा ले लो छा ले लो, इसके बीच का साउंड ले लो। कितना बढ़िया टेक्निक है, आप खुद इसको फील कर रहे होंगे, ये पूरे भारत की आवश्यकता है, पूरे बच्चों की जरूरत है, और मैं चाहता हूं कि वीडियो पूरे भारत में फैलनी चाहिए आपके सहयोग से और हर बच्चा इसे लाभान्वित हो सके। जैसे देखो वर्ड है, इसको बोलते हैं चीप, एक बोलेगा छीप, तो छीप भी नहीं बोलना है, चीप भी नहीं बोला, बीच का साउंड निकालो ना, च च छ छी छी छिप चीप छिप चीप छिप, चैट छैट चीट चैट 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 चैट, यानी आप धीरे धीरे बोलो चैट 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 चैट, है ना। तो चीप चैट चीज 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 चैट चीज चीप, राइट। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और इस तरह से आप 1, 2, 3, 4 नहीं हजारों वर्ड बोलिए। और मेरे प्यारे दोस्त, आप सबके लिए धर्मेंद्र सर हमेशा तैयार हैं, जितने वीडियो कहोगे उतना बनाऊंगा, स्पोकन का भी राइटिंग का भी, बस आग लगा दो फैला दो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।